हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी आज आपके सामने फिर से हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है हमारे CGDME के वेबसाइट पर अपलोड हुए नए PDF को लेकर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बच्चों को समझने में। और बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझा दीजिए। तो बड़ा आसान सा है, वैसे तो बहुत आसान नहीं है, देखने में बड़ा मुश्किल लगता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो नया PDF आया है, नया नोटिस आया है, वो CGDME के MBBS एंड BDS सीट अलॉटमेंट का सीट मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये है रिजर्वेशन रोस्टर या रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर MBBS एंड BDS। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि CGDME ने जब अपना नोटिस निकाला था एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तब उसमें ST के लिए 32% लिया था। अब आपको ये बात साफ साफ पता होगी कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ तो ये चाहती है कि ST का रिजर्वेशन 32% रहना चाहिए, पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो 20% करना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पिटीशन लगाया था, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो शायद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या CGDME इसी चीज़ को लेकर थोड़ा डिले कर रहे थे कि अगर कुछ दिन डिले करने पर रिजल्ट आ जाता है या कोई फैसला आ जाता है तो फिर एक रास्ता साफ हो जाएगा 32% और 20% के रिजर्वेशन के बीच में। किंतु ऐसा हुआ नहीं है, तो फिर अभी हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए CGDME ने 20% रिजर्वेशन फॉर ST, ऐसा एक PDF आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या CGDME लेकर आ रही है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नीट UG यानी कि MBBS और BDS प्रवेश वर्ष 2022 परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश वर्ष 2022 में UG सीटों का वितरण सभी वर्गों के परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थानों एवं केंद्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनुरूप 200 बिंदु आरक्षण रोस्टर के माध्यम से किया जाना है। अब इसमें सिंपल 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 क्या लिखा है, देखिए आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में दो तरीके के कॉलेज हो जाते हैं, एक जिनमें EWS की सीट है, दूसरी जिसमें EWS की सीट नहीं है। ठीक है, अब जहां पर EWS की सीट है वहां पर 200 बिंदु आरक्षण EWS सहित होगा, और जहां पर EWS की सीट नहीं है वहां पर EWS रहित होगा। इसका क्या मतलब है, आप इसको थोड़ा सा आगे समझिएगा। इसको लेकर अगर आपको किसी तरीके का आपत्ति है तो आप इसके दावा आपत्ति के लिए 2 तारीख मतलब आज शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मेल भेज के आप अपना दावा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें लिखा क्या है, साफ साफ सुंदर सुंदर भाषा में लिखा हुआ है, जितना आसान हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे आपको ये पता है कि माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एड्रेस आया था, जो कि एक क्या कहना चाहिए आदेश आया था, उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं रिजर्वेशन पॉलिसी में, क्या क्या अभी चेंजेस लाए गए हैं। तो ये सेम रोस्टर जो है MD और MS यानी कि NEET PG के लिए रिलीज़ किया गया था, और सेम रोस्टर जो है NEET UG के लिए भी रिलीज़ कर दिया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नीति के अनुसार लागू आरक्षण प्रतिशत अनुसूचित जनजाति को 20%, जो कि पहले 32% होता था, और CGDME ने जब नोटिस भी निकाला था तो 32% के साथ निकाला था, क्योंकि सरकार की मंशा तो यही थी कि 32% देना है, पर कोई रास्ता निकल नहीं पाया आखिर तक, और जो हमारा अलॉटमेंट है बहुत लेट हो रहा है। तो अंत में अब 20% ST का रिजर्वेशन हो चुका है इस साल का। अब देखिए अगले साल तक कोई फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है गवर्नमेंट का, वो अलग चीज़ है, अदरवाइज इस साल अभी तक तो केवल 20% है। अनुसूचित जाति को 16% और OBC को 14% और EWS को 10% होगी। 10% केवल उन कॉलेजेस में होगी जहां पर EWS की सीट उपलब्ध है, जैसे कि महासमुंद और कोरबा में अभी EWS की सीट नहीं है, तो इन दोनों कॉलेजेस में EWS को काउंट नहीं किया जाएगा, बाकी सबको काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा आरक्षण प्रतिशत संबंधी दायर याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। यानी कि अब अलॉटमेंट के पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है और ये 20 को 32 करने का कोई तरीका निकल जाता है तो 32 किया जा सकता है, मतलब ये चेंज किया जा सकता है, मतलब ऐसा लिखा नहीं है 20 को 32 किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी अगर किसी तरीके का चेंज इसमें आता है तो चेंज हो सकता है, अदरवाइज यही वाला इस साल के अलॉटमेंट में फॉलो होने वाला है। 200 बिंदु रोस्टर में जिस बिंदु पर एक से अधिक आरक्षित श्रेणी की सीटें पूर्ण होती है उस बिंदु पर सीट मैट्रिक्स आरक्षण प्रतिशत
अनुसार संबंधित श्रेणी हेतु सीटों को चिन्हांकित किया गया। अब ये क्या बोल रहे हैं वो आपको मैं नीचे समझाता हूँ। अब ये जो नीचे के नीचे पूरा का पूरा बड़ा सा टेबल है ना, इसका मतलब क्या है, इसको बड़े आसान भाषा में आपको समझना है तो ये मान लीजिए कि जो रोस्टर पॉइंट लिखा है ना वो सीट का नंबर है। क्या हुआ, जो रोस्टर पॉइंट लिखा है वो क्या है, सीट का नंबर है। अब देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 सीट है, मान लेते हैं अभी यहाँ पर मानते समय आप AIQ को भूल जाइएगा, सेंट्रल नॉमिनी को भूल जाइएगा, बस इतना मान लीजिएगा क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना मान लीजिएगा कि किसी कॉलेज में 10 सीट है, ठीक है। तो यदि किसी कॉलेज में 10 सीट है तो ST को 20% के हिसाब से कितना मिलेगा, 2 सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 सीट मिल गया, अब 10% का 10 सीट का 16% कितना होता है, 1.6, तो SC को कितना मिलेगा, 1.6। अब 0.6 कैसे देंगे, सीट नहीं दे सकते ना, तो कितनी सीट मिलेगी, 1। अगर 10 सीट है किसी कॉलेज में तो ST को 2 मिलेगी, SC को 1 मिलेगी, ऐसे ही OBC को भी 1 मिलेगी, और EWS अगर इस कॉलेज में है तो 1 मिलेगा, अदरवाइज EWS को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉलेज में सीट थी 10, हम लोग अभी AIQ वगैरह नहीं निकाल रहे, हम मान रहे हैं कि केवल 10 सीट है क्योंकि हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आप चिल्लाइएगा मत फिर कमेंट बॉक्स में, सर आप कैसे करते हो यार, बताते हो उल्टा पुल्टा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ भाई कि हम लोग पहले ऑल इंडिया कोटा को क्या करेंगे, नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं केवल 10 सीट है किसी कॉलेज में, ठीक है। अब 10 सीट यदि किसी कॉलेज में होगा तो उसमें ST को कितना जाएगा, 2, SC को कितना जाएगा, 1, OBC को कितना जाएगा, 1, टोटल सीट कितनी निकल गई, 4, अनरिजर्व के कितनी बची, अनरिजर्व के लिए बच गई पूरी की पूरी 6 सीट। अब जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ये लगता है कि ये 6 सीट जनरल को जा रही है, लेकिन ये जनरल को नहीं जाती है, ये 6 सीट में जनरल का बच्चा भी आता है और ये पूरे रिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर मेरिट के हिसाब से आता है तो वो भी आता है। तो ये 6 सीटों पर कोई आरक्षण नहीं है, 6 सीटें जो है वो ओपन है सभी के लिए, तो इसमें जनरल की भी सीट आ जाती है, OBC की भी आ जाती है। अगर कोई OBC का बच्चा 700 नंबर लेके आया है तो उसको PT JNM लेने के लिए किसी भी तरीके रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज बिना रिजर्वेशन के ले लेता है, तो उसको OBC के में काउंट ना करके अनरिजर्व में काउंट किया जाता है, ठीक है। यदि आपको अपना फर्स्ट वाला कॉलेज, फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज आपके मार्क्स पर नहीं मिलता है और रिजर्वेशन के कारण देना पड़ता है तो उसको रिजर्वेशन में काउंट किया जाता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में इतना अगर देखा जाए तो 4 सीट निकल गई रिजर्व कैटेगरी से और 6 सीट मिल गई आपको कहाँ के लिए, अनरिजर्व के लिए। लेकिन यदि इस कॉलेज में EWS भी है तो इसी 10 सीट में से 1 सीट निकाल देंगे EWS के लिए। तो यदि EWS है तो 5 सीट निकल जाएगी रिजर्व के लिए और अनरिजर्व के लिए बचेगी 5 सीट, और यदि EWS नहीं है तो रिजर्व के लिए निकलेगी 4 सीट और अनरिजर्व के लिए बचेगी 6 सीट। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो टोटल सीट इसलिए क्या किया जाता है ना, क्योंकि EWS का जो रिजर्वेशन है अलग से हॉरिजॉन्टली दिया जाता है, केंद्र सरकार ने 3-4 साल पहले इसको अलग से इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए जहां पर भी EWS को आरक्षण दिया जाता है वहां पर एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाती है। क्यों जोड़ी जा रही है, समझ में आया ना, क्योंकि अगर EWS की सीट नहीं है तो 4 निकल रही है और EWS की निकल को अगर जोड़ दे तो 5 सीट निकल रही है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है, 10 सीट में 1 सीट का नुकसान हो जा रहा है। तो ये नुकसान ना हो उसकी भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा सीट दी जाती है कॉलेज को, ताकि EWS की सीट निकालने पर भी किसी और कैटेगरी को कोई नुकसान ना हो, जबकि फायदा हो जाता है। किस तरीके से होता है वो अलग बात है, बहुत लंबा उसमें हम लोग नहीं जाते, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको आपको पूरा सीट मैट्रिक्स समझाएंगे हमारे सुभाष सर, आपको एक एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स समझाएंगे कि कहाँ पर कितना है। हमने एक हाइपोथेटिकली मान लिया 10 सीट है। अब एक मान लेते हैं कि किसी कॉलेज में 60 सीट्स है। 60 सीट्स कहाँ पर है, रायगढ़ में, हाँ भले उसमें एक AIQ वगैरह निकलता है, लेकिन यदि हम लोग केवल 60 को ही मान ले तो 60 में से 12 सीट चली जाती है, 60 में से 12 सीट किसको चली जाती है, 12 सीट चली जाती है ST को, 9 सीट चली जाती है, 9 सीट चली जाती है SC को और 8 सीट चली जाती है OBC को। तो 9, 4, 13, 17, 17 और 12, 29 सीट जो होती है, जो 29 सीट होती है वो चली जाती है रिजर्व में, और यदि यहीं पर अगर EWS की सीट अवेलेबल है तो 6 सीट और निकल जाएगी, तो 35 सीट्स निकल जाती है 60 में से, और आपके पास जो बाकी की सीट बच जाती है 25, वो आपके पास रहती है अनरिजर्व के लिए। तो 35 रिजर्व में चली जाएगी और 25 जो होगी वो अनरिजर्व के लिए बचती है, हाँ
ठीक है, अब क्लियर है। अब देखिएगा कि इनमें ना क्या लिखा हुआ है, अब यही समझते जा रहे हैं कि अगर 61 सीट होगा तो क्या रिजर्वेशन होगा, 62 सीट होगा तो क्या रिजर्वेशन होगा, अगर सीट का नंबर 63 है तो क्या रिजर्वेशन होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि आपका रिजर्वेशन जो ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक मतलब कि जो टोटल नंबर होता है उसी में दिया जाता है। अब पूर्णांक, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। देखो अगर 8.82 है तो आपको सीट मिलेगी आपकी कैटेगरी को 8.82 सीट कैसे देंगे, किसी को नहीं देते हैं। तो जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए 8.82 नहीं मिलेगा, 64 में 8.96 8 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही 65 सीट हो जाती है तो ओबीसी को 9 सीट मिल जाता है। तो रिजर्वेशन देखिए, किसी बच्ची ने पूछा भी था कि राजनांदगांव में EWS के लिए, सॉरी राजनांदगांव में ओबीसी के लिए कितनी सीट है, तो राजनांदगांव में देखिएगा, राजनांदगांव में मान लीजिए अगर 125 सीट होता है तो उसके पास 17 सीट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जब एक्चुअली में काउंट करते हैं तो AIQ निकाल के करते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो आपको पूरा कंप्लीट एक्चुअल जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको सुभाष सर पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आपको किस कॉलेज में कितनी सीट अपनी कैटेगरी के लिए मिल रही है। अभी मैंने सिर्फ इस PDF का मतलब समझाया, मतलब समझाने के लिए AIQ वगैरह को हमने नहीं हटाया। तो सिंपल सी बात है, किसी कॉलेज में अगर 125 सीट है तो उसमें से 25 चली जाएगी ST को और 20 चली जाएगी SC को और OBC को मिलेगी 17, और अगर AWS वहां पर है तो 12, 125 का जो 12% होता है, 10% होता है, वो आता है 12 सीट, तो इतना रिजर्वेशन निकल जाएगा। हाँ, अब ये जो रिजर्वेशन होता है ये आप सभी को पता है कि स्टेट कोटा के सीट के आधार पर होता है। तो किसी कॉलेज में यदि स्टेट कोटा की सीट को निकालेंगे तब उसके आधार पर आपको काउंट करना है, जो कि काउंटिंग आपको सुभाष सर एक सेपरेट वीडियो में, इसके जस्ट बाद अपलोड होने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो उस वीडियो में मिलते हैं ताकि आपको पूरा सीट मैट्रिक्स डिटेल में समझ में आए। मैंने सिर्फ आपको इस PDF का मतलब समझाया है और सिंपल सा यही मतलब है कि इस तरफ जो रूस्टर पॉइंट जिसको लिखा गया है, इसको आप मान लीजिए कि ये सीट का नंबर है किसी कॉलेज में, और इस सीट नंबर किसी कॉलेज में अगर इतनी सीट है तो मेरी कैटेगरी को इतनी इतनी और इतनी सीट्स रिजर्व मिलेंगी और बाकी सब अनरिजर्व्ड हो जाएंगे। आपको पता है कोरबा और महासमुंद दोनों ही जगह पर अभी EWS सीट नहीं है, तो उनके अलावा बाकी सभी जगह आपको EWS की भी सीट देखने को मिल जाएंगी बाकी सभी कॉलेजेस में। और CCM दुर्ग जो है, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल दुर्ग, अब देखते हैं उनमें क्या होता है, उस कॉलेज का क्या होता है। सेकेंड राउंड में आने की पूरी संभावना तो है, बट अगर नहीं भी आ पाता तो क्या किया जा सकता है, 150 सीट का बहुत भारी नुकसान होने वाला है छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं आगे दुर्ग का क्या होता है और दुर्ग का कॉलेज आता है तो उसमें EWS की सीट रहती है या नहीं। दो कॉलेजेस में EWS की सीट नहीं होने के कारण जो EWS का कट ऑफ बहुत नीचे जाने की संभावना थी 450 तक, जिसमें हमने कोरबा, महासमुंद और दुर्ग तीनों की EWS को काउंट करके बताया था, अब ये इतने नीचे जाने की संभावना कम है, 470 या 475 तक एडमिशन इस साल होगा EWS में। इस बात को याद रखिएगा जितनी सीट अभी है उस आधार पर, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि इस पूरे PDF का, इस पूरे नोटिस का मतलब क्या है। अब इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एक कॉलेज में कितनी सीट स्टेट कोटा की होती है और कितनी सीट उसमें से ST को मिलती है, कितनी सीट SC को मिलती है, सभी 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये पूरा सीट मैट्रिक्स लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में हम आप सभी के लिए। तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, और ये वाला वीडियो तो देख लिए हो ना, तभी तो पता चला अगला वीडियो आने वाला है, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कोई डाउट है तो पूछते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छे वाला भी कमेंट कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, अभी करिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पाप पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।